अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड रांची को बड़ी सफलता मिली है। आईटी एक्ट के तहत वादी द्वारा आवेदन दर्ज किया गया। उक्त कांड की वादी में www.jeevansathi.com पर उपलब्ध एक प्रोफाइल में संपर्क किया और उन्हें क्रिप्टो करेंसी कर अधिक पैसा कमाने के वादी को एक फर्जी फिशिंग वेबसाइट www.bonocoin.org रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया। वादे से अलग अलग बैंक के खातों में UPI के माध्यम से पैसे डालने को कहा गया, जिसकी बाद वादी को उनकी प्रॉपर्टी फर्जी वेबसाइट पर दिखाया गया। जांच फर्जी वेबसाइट का मूल स्थान हांगकांग, चाइना और कंबोडिया तथा फाइनेंशियल ट्रायल एनालिसिस में फेक कंपनी के नाम पर रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बैंक खाते पे गए, जिसमें करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन किए गए थे और वादी से 95 लाख साइबर ठग कर लिया गया, ताकि त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी बैंक खातों को फ्रीज कर लिया गया। अपराधी का लुकआउट नोटिस निर्गत किया गया, तब वह ताइवान से भारत आए तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दलधर जो हमारा विक्टिम झारखंड का था, वो धनबाद का रहने वाला है, उसको जो है ये एक मैरिज वेबसाइट पर जब वो गया तो वहाँ पे किसी लड़की की प्रोफाइल को उसने लाइक किया। वो जो लड़की की प्रोफाइल वो फेक प्रोफाइल थी, उसका यूज़ इसी तरह के लोगों को फंसाने के लिए किया जाता था। उस वेब पेज पर जब ये गया तो उसने, उस लड़की ने उसको मैसेजेस करने शुरू किए और उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित किया और उसको बोला कि तुम अगर इस तरह से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा पैसा का काफ़ी बढ़ोतरी हो सकता है। इसी क्रम में उसने एक क्रिप्टो करेंसी की वेबसाइट बनाया, बैनोकॉइन डॉट ओ आर जी नाम की एक वेबसाइट के बारे में बताया कि जो तुम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और जो क्रिप्टो करेंसी में, उसमें जो रेट बढ़ेगा घटेगा वो इस वेबसाइट पर नज़र आएगा। ये वेबसाइट पूर्ण रूप से फेक वेबसाइट थी और ये लोग क्या करते थे, बंदे से पैसा अपने अकाउंट में डलवाते थे और फर्जी तरीके से उस वेबसाइट पर दिखाते थे कि इनकी क्रिप्टो करेंसी की रेट बढ़ गया है। तो उसको जब वो देखता था तो वो खुश हो जाता था कि मेरा पैसे में बढ़ोतरी हो, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये लोग फिर आगे क्या करते थे, इन लोगों का एक